उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज के सत शिष्य एवं युवा संत दिव्यानंद जी महाराज के मुखारबिंद से दिव्य श्री राम कथा का प्रसारण हलचल चैनल पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक और सायं 5:30 बजे से 6 बजे तक किया जा रहा है। आप सभी इस दिव्य श्री राम कथा का श्रवण कर प्रभु कृपा के पात्र बने। अयोध्यापुरी में गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ को लिखना आरंभ किया और उसको नाम दिया रामचरितमानस। यही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। और सबसे पहला श्लोक आपने प्रथम पूज्य कौन है गणेश जी, सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने गणेश जी और माँ सरस्वती की वंदना करते हुए लिखा कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम भी मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती माँ की वंदना वो ज्ञान दात्री है, शब्द दात्री है, परंतु गणेश जी की जो वंदना है उसको करने का एक मूल उद्देश्य है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रथम पूज्य हैं, बल्कि गणेश जी आपको इस कथा के लिए तैयार करेंगे। गणेश जी का जो स्वरूप आप सबने देखा होगा यहाँ कहीं अभी आजू बाजू, अभी यहां नहीं दिखेगा, तो दो विशेषताएं हैं, एक सर बहुत बड़ा है, दूसरा पेट बहुत बड़ा है। ये दो मूल चीजें हैं गणेश जी के स्वरूप में। और बड़ा सुंदर भाव है, सबसे पहले तो सर बड़ा। मैंने आज सबसे एक निवेदन किया ना कि दिमाग बड़ा करके, यानी दिमाग को, दिमाग की सभी खिड़कियों को खुला रख के कथा को सुनिएगा। संकीर्ण विचारधाराओं को मत पालिए। थोड़ी देर, कम से कम ये 9 दिन के लिए आपको जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त हुआ है इसको बाहर भूल के आइए आप। ये रही बड़े सिर की बात, और दूसरा बड़ा पेट है। तो बड़ा पेट का भाव, जैसे खाना खाते हैं ना तो खाना पचता पेट में है। हम किसी को कोई बात बताएं और वो दूसरा किसी और को बता दे तो हम क्या कहते हैं, भैया उसको मत बताया करो, क्यों, उसका पेट बड़ा छोटा है, उसके पेट में बात पचती नहीं है, उसका पेट बड़ा नहीं है। बात ये है कि कथा सुने तो ऐसा ना हो कि जब उठें तो जैसे कपड़े झटकाओगे ना तो जितना बोला वो सब झटका कर चले जाओ। बड़ा पेट भाव, जो कुछ हम सुन रहे हैं वो पचना चाहिए, वो अंदर जाना चाहिए। नाम महिमा बहुत है, नाम महिमा पे भी मैं चर्चा करूंगा, परंतु याद रखिए केवल आप सदग्रंथ के पाठ के ऊपर अगर आश्रित हैं तो आप भूल कर रहे हैं। गणेश जी के हाथों में वेद हैं, परंतु बड़ा सुंदर संकेत है कि हाथों में है, सामने नहीं पड़े हुए। हमारे पास जितने सदग्रंथ हैं वो सामने ही पड़े हैं, मंदिर में खूब आरती उतारेंगे, खूब तिलक करेंगे, हाथ में है। अर्थात ये वेद आपके हाथ में होने चाहिए, आपके कर्मों में होने चाहिए। ये सदग्रंथ का जो उपदेश है ये जब आपके सामने आपके जीवन में उतरेगा निश्चित रूप से इसका प्रभाव, इसका फल हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे वो स्वामी जी ने सबसे पहले गणेश जी की वंदना की है, आइए 2 मिनट के लिए, समय भी काफी हो रहा है, 2 मिनट के लिए हम गणेश वंदना करें और फिर हम कथा में आगे बढ़ेंगे। सब मेरे साथ मिलकर गाइए। तुझको नमन, 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 तुझको नमन। हे गौरी नंदन गणपति, हे गौरी नंदन गणपति, रिद्धिपति सिद्धिपति, तुझको नमन,
तुझको नमन, तुझको नमन। गोस्वामी जी ने माँ सीता की, भगवान शंकर, देवी पार्वती की, वाल्मीकि जी और हनुमान जी की सबकी वंदना की और वंदना का आखिरी श्लोक लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोती। बड़ा सुंदर श्लोक है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज, एक तरफ हम कहते हैं कि जो कुछ ऋषि वाल्मीकि और ऋषि वेदव्यास लिख गए, उसके बाद संसार में जो कुछ लिखा गया वो सब उनका झूठा है, तो फिर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस ग्रंथ की रचना करने की। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया
कि वैसे तो सैकड़ों विद्वानों ने राम के चरित्र को कहा है, परंतु इसमें विशेषता क्या है? तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम कुछ धन्य तो अपि, भाव जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं इन सब में उनकी सहमति है, वो सब रामचरितमानस से सहमत होते हैं। हम आरती में क्या कहते हैं? गावत वेद पुराण अष्ट दस छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये इन सब का रस है। और मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की, इसमें सबकी सम्मति है इसलिए लिखी है। और दूसरा कारण जो है वो बड़े कमाल का है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, भाव कोई कहे कि महाराज किस किसने इस ग्रंथ की प्रशंसा की है, किस किसने इसको परखा है, तो गोस्वामी जी ने एक लाइन में उत्तर दिया कि मैंने किसी को जांचने के लिए ये ग्रंथ दिया ही नहीं। आपको समझ आए ठीक, आपको ना समझ आए बहुत बढ़िया, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना बिल्कुल मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो मैं लिख रहा हूं वो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, ये मेरी आत्मा की शांति के लिए है, इससे मुझे तृप्ति मिल रही है, ये मैं किसी और के लिए नहीं लिख रहा, ये मेरे अपने लिए है। और मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जीवन में याद रखिए कुछ काम व्यक्ति को स्वांतः सुख के लिए करने चाहिए, अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। जैसा कि आरंभ में भी मैंने कहा, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, बहुत विद्वान मिलते हैं, परंतु कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, आनंद प्राप्त होता है, हमें हर्ष अनुभव होता है, और वो काम हमें नहीं छोड़ना चाहिए किसी के तर्क वितर्क में आके। एक व्यक्ति की रोज की आदत थी कि भाई वो मंदिर में जाके दीपक जलाता था। अब क्यों जलाता था और इससे क्या होता है, इतना उसने कभी सोचा ही नहीं। वो जलाता था, उसे उससे प्रसन्नता मिलती थी, उसे खुशी मिलती थी, और कोई कारण नहीं था उसका दीपक जलाने का, कोई संकल्प नहीं, बस रोज जाता था जलाता था और कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन कोई विद्वान मिल गया उसे और उसने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले दीपक जलाने। तो उसने कहा, एक बात बताओ दीपक क्यों जलाते हो? बोले महाराज मैंने कभी इतना सोचा नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इतना समझ नहीं है, इच्छा होती है इसलिए जला देता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं इससे ज़्यादा। बोले ऐसी क्या ये कोई बात हुई क्या, रोज़ सुबह उठ के मंदिर जाते हो दीपक जला रहे हो, ये भी नहीं पता क्यों करना है क्या करना है, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो तो तुम्हें आगे जाने दूंगा। उसने दीपक को जलाया और कहता है कि एक बात बता कि इस दीपक में जो ज्योत जल रही है, इस ज्योत में, इस दीपक में ये ज्योत कहां से आई? बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न था। आगे आम आदमी तो यही उत्तर देगा, भाई तूने माचिस को घसा और अग्नि प्रकट हुई, परंतु उसने इस रूप में प्रश्न नहीं पूछा था। बड़ा दार्शनिक सा प्रश्न है ये, जैसे हम पूछते हैं ना मैं कौन हूं, और जितनी सरलता से हम पूछ लेते हैं उतनी सरलता से उसने पूछ लिया, बता इस दीपक में जो प्रकाश है प्रकाश कहां से आया? उसको लगा अब इसको बोलूंगा तो कि माचिस से आए तो इसका ये संतुष्ट होगा नहीं, तो उसने क्या किया, उसने दीपक ही बुझा दिया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और कहता कि अब तू मेरे सवाल का जवाब दे। उसने क्या बोले, एक बात बता कि इस दीपक में जो प्रकाश था वो गया कहां? बोले भाई तूने बुझाया तुझे पता मुझे क्या पता? बोले देख भाई तुझे ये नहीं पता ये गया कहां, मुझे नहीं ये नहीं पता ये आया कहां से, तू अपना काम करना बाबा, मेरे को अपना काम करने। भाव ये है, वो समझ ये बात सिखा रहे हैं कि जीवन में हर काम दूसरों के लिए नहीं किया जाता, और वो लोग बड़ी बहुत बड़ी गलती करते हैं जो सुबह से लेकर रात तक अपने लिए कुछ नहीं करते। अगर आप सुबह से लेकर रात तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो विश्वास कीजिए अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए दूसरों को दोष देना छोड़िए। हमारे पास तो सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि अगर हमें कोई अच्छा नहीं लगता चलो उसको इग्नोर करो, उससे बात ही मत करो, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है।
कायदे से हम अपनी गलतियों से भाग रहे हैं, हम अपने आप से मुंह छिपा रहे हैं। जब तक छिपा सकते हो छिपा लो। और ऐसा मुझे अनुभव तो नहीं है, बाकी पता नहीं जब आखिरी समाधि का समय आएगा तब देखेंगे, पर बड़े बुजुर्गों से ऐसा सुना है कि जब वो समय आता है ना आखिरी का, तो ऐसा सुना है, मुझे सच में जानकारी नहीं, कि जैसे पिक्चर का एक फ्लैशबैक चलता है ना, उसी तरह आंखों के सामने एक बार सारी जिंदगी निकलती है शुरू से लेके आखिर तक। तो वो जब हम देखें थोड़ा अच्छा तो लगे कि भाई कुछ किया था जीवन में। इसीलिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि रघुनाथ की गाथा जो है वो आपके आंतरिक शांति को प्रदान करने वाली है। इसके बाद देवियों और सज्जनों, गोस्वामी जी ने 5 सोठों में देवताओं की वंदना की, भगवान विष्णु की वंदना की, और मानस की सबसे पहली चौपाई लिखी कि बंदाओं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मानस पढ़ने वाले, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। भाव ये है देवी और सज्जनों कि गोस्वामी जी ने एक ऐसा सदग्रंथ जिसने गोस्वामी जी को अमृत प्रदान कर दिया, गोस्वामी जी अब कभी मरे नहीं है, वो व्यक्ति की कभी समाधि हुई ही नहीं, आज भी उतने ही प्रासंगिक उतने ही जीवित। तो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की जब पहली चौपाई लिखने लगे तो एक प्रश्न तो है कि भाई क्या लिखूं, किसके बारे में शुरुआत कहां से की जाए, बड़ी बात। तो सबसे पहली चौपाई उन्होंने अपने गुरु को समर्पित की। और इसका कारण है, हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए, जब हमारे पास कुछ ना हो ना, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें हमारी अपेक्षा से बहुत ज्यादा दे जाए, तो हम निश्चित रूप से उसका आभार प्रदर्शित तो नहीं कर सकते, परंतु मन में उसके प्रति कृतज्ञता भाव तो होता ही है। तो जिस ग्रंथ ने, जिस वाणी ने वो स्वामी जी को संसार में अमर कर दिया, वो उनको उनके गुरु से प्राप्त हुई है। और बल्कि ये भी कहूं तो गलत नहीं है कि मानस गुरु शिष्य परंपरा से ही आई है, हमारे यहां अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। भगवान शंकर के लिए एक बात कही जाती है कि तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। आज संसार में मुझे याद आता है ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास महाराज जी का एक वचन था कि आजकल तो गुरुओं की परिस्थिति ये है कि कोई यार गुरु कोई पार गुरु, हर कोने में हर गोशे में मिल जाते हैं दो चार गुरु, हर गली में आज कोई गुरु बैठा है, कैसे पहचाने। तो मानस ने उसका उत्तर दिया, कोई गुरु हो ना हो, एक गुरु, एक व्यक्ति, एक चरित्र ऐसा है, एक शक्ति ऐसी है जो सबके गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो मैंने जैसा निवेदन किया, मानस गुरु शिष्य परंपरा से आई है। रचि महेश ने जो मानस रखा, मानस को सबसे पहले रचने वाले हैं महादेव, और उन्होंने इसे जहां पार्वती जी को सुनाया है, उन्होंने शिष्य रूप में ऋषि याज्ञवल्क्य जी को भी सुनाया है, कथा आगे आएगी। ऋषि याज्ञवल्क्य जी जब गुरु बने, उन्होंने शिष्य रूप में इस कथा को भरद्वाज मुनि को सुनाया है। उसके बाद काकभूषुंडी जी को ये प्रसाद अपने गुरु से प्राप्त हुआ, और उन्होंने शिष्य रूप में गरुड़ जी को, जब गरुड़ जी उनके शिष्य बने तो गरुड़ जी को ये कथा सुनाई। और रही बात बाबा की, तो बाबा को भी ये अपने गुरु से प्राप्त हुआ। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, बाबा ने इस बात को लिखा कि मैंने जो गुरुसन से सुनी कथा सुकर खेत, सुकर खेत में मैंने अपने गुरुदेव से बालपन में इस कथा को सुना था, पर समझ नहीं थी बालपन, तब अति रहे हूं अचेत, तब मैं बहुत छोटा था, तब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे गुरु मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे क्या दान दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। परंतु एक बात तो यहां समझ आती है कि सत्संग का ये लाभ होता है, कई बार कुछ बातें अभी समझ में आए ना आए, परंतु जब हम सत्संग में बैठते हैं, किसी बुद्ध पुरुष की संगत करते हैं,
तो वो कोई ना कोई ऐसा अध्यात्म का बीज हमारे कानों से या हमारे मुख से या प्रसाद रूप में किसी भी रूप में अपने किसी कृत्य से अपने आशीर्वाद से वो हमारे मन की भूमि में डाल देता है। और वो कब प्रफुल्लित होगा इसकी हमें जानकारी नहीं। और ठीक यही गोस्वामी जी के साथ हुआ कि मैं निज गुरसन से सुनी कथा सुसुकर खेत समझ नहीं तिस बालपन तब अति रहूं अचेत। तब गुरु जी ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर और तब मुझे मानस का ये दान दिया। और मूल भाव ये है कि मानस गुरु शिष्य परंपरा से आई है और गुरु सबसे पहले कौन है? महादेव। और इस बात को गोस्वामी जी ने भी लिखा कि ये सिर्फ गोस्वामी जी को, काक भुसुंड जी को, याग वल्क्य जी को, पार्वती जी को, हम सबको, हम जो राम कथा सुन रहे हैं ये महादेव का प्रसाद है। और इसे गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी राम चरित मानस कवि तुलसी। ये महादेव की कृपा हुई जो वहां से गंगा चलती आ रही थी, अब ये उसमें आज मुझे भी स्नान करने का मौका मिला। इसलिए गोस्वामी जी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं गुरुजनों के प्रति, संसार के गुरुओं के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, ये कहते हुए कि बंदों गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और निवेदन मैं आप सबसे भी करूं कि जीवन में ये मैं जानता हूं कि आज के समय में गुरु मिलना बड़ा कठिन, पर लोगों से पूछो ना भैया जीवन में कभी गुरु धारण किया, तो लोग अक्सर एक जवाब देते हैं, हमको कोई मिला ही नहीं, कोई पूर्ण पुरुष मिला ही नहीं। तो मेरे मन में प्रश्न उठता है कि भाई जब तुमने ही उसको पहचान लिया तो गुरु सामने वाला हुआ कि तुम हुए गुरु? भाई एक बात बताओ, तुमने परीक्षा ली, आप किसी की परीक्षा लेंगे, आप कहते हैं मुझे मिला ही नहीं, कैसे पता चलेगा कि ये गुरु है? कि आप कोई परीक्षा लोगे उसकी? आपके पास कोई पैरामीटर सेट है कि ये पैरामीटर पे सामने वाला खड़े उतरेगा तो वो गुरु होगा? भैया आपके पास ही सब कुछ है तो फिर काहे गुरु बनाने जा रहे? जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। एक विद्वान ने बहुत सुंदर बात कही, संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक आया कि जन्म न जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठित भवेद विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। भाव जन्म से तो हम सब शूद्र हैं, कोई भी हो, मुझे कहने दीजिए जन्म से भगवान राम भी शूद्र है, परंतु शूद्र का भाव यहां किसी जाति विशेष से नहीं है। शूद्र भाव अशिक्षित, असभ्य, जिससे सही गलत की समझ नहीं है, जो विवेक से निर्णय नहीं ले पा रहा। एक बच्चा जो है वो अपनी माँ की गोद में होता है, माँ ने 10,000 की साड़ी पहनी होती है, बच्चे को कोई समझ होती है क्या? वो गोद में रहता है, अपनी माँ का आंचल गीला कर देता है, अपनी माँ की साड़ी गीली कर देता है। वो किचन में बैठा होता है, माँ ने चूल्हा जलाया होता है, वो बार बार आग के ओर आकर्षित होकर आग में हाथ डालता है। उसे नहीं पता कि इसमें हाथ डालने से मेरा हाथ जल जाएगा। उसे अपने सही गलत की समझ नहीं है, ये शूद्रता है, कोई गलत बात नहीं। जन्म से हम सब शूद्र हैं, पर संस्कारा द्विज उच्चते, द्विज कहते हैं जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। और दूसरा जन्म व्यक्ति का तब होता है जब उसके अंदर संस्कारों का गुणाधान होता है। अब आप एक बात बताइए कि अपने बच्चे को सारी उम्र नालायक रखना हो तो उसके लिए कोई स्कूल है क्या? कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल कि भैया बच्चे को यहां भेजो, यहां पे नालायक की एक डिग्री प्राप्त करके आएंगे? कोई स्कूल नहीं। सीधी सी बात है, आप उसे कोई शिक्षा ना दें, आप उसे किसी गुरु के पास ना भेजें, आप उसे किसी विप्र की शरण में ना भेजें, आप सिर्फ उसे घर में पड़े रहने दीजिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो उसे नहीं होना चाहिए वो जरूर बनेगा। परंतु जब व्यक्ति को संस्कार देने हो, बालक को सुसंस्कृत बनाना हो, तब उसे गुरु के पास भेजा जाता है। तो गुरु तो बहुत बड़ी बात हो गई, पहले तो हम स्कूल भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल जाना व्यर्थ है। हाँ ये जरूर मैं कहता हूं कि शिक्षक में और गुरु में बहुत अंतर होता है। मुझे ध्यान आता है एक विद्वान है दक्षिण भारत के सदगुरु, उन्होंने उनकी एक मुझे बात बहुत अच्छी याद आती है। उन्होंने ये बात कही थी कि एक शिक्षक में और गुरु में भेद क्या है कि अ टीचर प्रिपेयर्स यू फॉर अ यूनिवर्सिटी बट अ गुरु प्रिपेयर्स यू फॉर यूनिवर्स। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी।
जो शिक्षक है, बल्कि ये कहें कि जो शिक्षक है ना वो आपको तैयार करता। आप सोचिए कि भगवान कृष्ण एक ही साथ में बोलते चले गए, अर्जुन प्रश्न करता चला गया और भगवान कृष्ण की हर बात को एक ही बार में अर्जुन समझता जा रहा है। यहां पे इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए, युग बीत गए, गीता के ऊपर अभी भी प्रवचन हो रहा है। कोई कथावाचक ऐसा संसार का नहीं है जो गीता की टीप नहीं लगाता। इतने साल में हम नहीं समझ पा रहे, अर्जुन एक बार में समझता चला जा रहा है। ये द्रोणाचार्य की कृपा है अर्जुन के ऊपर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ऐसा बनाया है कि आज जब कृष्ण रूप में गुरु, आज जब गुरु रूप में कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हुए हैं, तो जब गुरु आपको ज्ञान दे रहा है तो उस ज्ञान को ग्रहण कर सको, उतनी क्षमता तो हो, वो समझ तो हो। और जैसा कि आरंभ में हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या, हम खुद ही गुरु हैं, हमको आज तक गुरु मिला ही नहीं, हमको ही सबकी परीक्षा लेना। एक गांव में एक महात्मा जी आए तो एक व्यक्ति को वैराग्य सा जागा। उसने कहा कि भैया, महात्मा जी के पास जाके बोला कि महाराज हमको चेला बनाओ। उन्होंने कहा बन जाओ भैया। महात्मा लोग बड़े सरलता से बोलते हैं। उन्होंने कहा महाराज हमको चेला बनाओ, तो कहा बन जाओ। तो बोले अब से आप हमारे गुरु, हम आपके चेले, अब आपको सुनाओ। थोड़ा सुनाओ में भैया क्या है, राम राम किया कर, थोड़ा साधना तेरे को बताऊंगा, तो राम राम किया कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं, भाव से करेगा सब हो जाएगा। अरे महाराज फिर वो राम राम, हर यही सब सुनना था तो आपके पास आना था, मेरे को बताओ कोई ऊंची बात बताओ। तो उन्होंने भागवत खोल ली। बोले फिर अब भाव कहोगे जय श्री कृष्ण कर, आपको कह रहा हूं कुछ ऊंची बात करो महाराज, ये सब हो गया। तो उन्होंने गीता उठा, हाँ बोले ये थोड़ा ठीक है, अरे ये ठीक है, अभी जब गीता उठाई तो बोलता ये अभी ठीक है। तो गुरुजी तो समझ गए कि गुरु ही मिला है, चेला नहीं मिला अपने को। कहता महाराज सुनाओ। तो कहा कि भैया देखो, गीता के विस्तार में जाए उससे पहले तुम्हें मैं एक सारांश बता दूं। क्या? कि सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना। भाव जितने उपनिषद हैं ये सब गाय हैं, और भगवान कृष्ण जो हैं ये ग्वाले हैं जो इनका दूध दोहते हैं। तुम एक बात इतनी सी समझ लो, ये सार को समझ लो, उसके बाद हम गीता आरंभ करते हैं। अब गुरुजी ने 2-4 घंटे तक गीता के ऊपर व्याख्यान दिया, अलग अलग, कभी सांख्य योग तो भक्ति योग कर्म योग, अलग अलग विषय अलग अलग बार छू रहे हैं, और बीच में पूछते भी रहे, भैया कुछ पूछना हमको पूछना, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप। गुरुजी बड़े अचंभे में, तो गुरुजी ने सब खत्म किया वक्तव्य, तो आखिर में बोला भैया मेरा मान रखने के लिए कुछ तो पूछ ले। तो उसने बड़ी कमाल की बात कही कि महाराज सब कुछ समझ आ गया मुझे आपने जो कहा, वो एक बात नहीं समझ आई कि आपने जो गीता का सार बताते हुए एक बात कही थी कि सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदना, तो इसमें जो दो गधे हैं ये दो गधे कौन है? भाव इसका है कि दो गधा यानी उसको दोहने वाले हैं भगवान कृष्ण। अब इसको ये भी नहीं समझ आया तो अब पूछता है कि महाराज ये वो जो दो गधे आपने कहे थे, वो दो गधे तो इतने वक्तव्य में आए नहीं। गुरुजी ने अपने सर पे हाथ मारा और कहा कि बेटा तू बिल्कुल सही प्रश्न कर रहा है, मुझसे चूक हो गई, मैं वक्तव्य में दो गधों का उल्लेख नहीं कर पाया। दो गधे कोई और नहीं, एक गधा मैं हूं जिसने तुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया, और एक गधा तू है जो अपने आप को पहले से गुरु मान के बैठा हुआ है।